शाहरुख खान पर अपना नशा बिखेरने के बाद अब पूनम पांडे के इरादे कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक टाइम था जब पूनम शाहरुख खान के लिए नूड होने तक के लिए तैयार थी, मगर अब पूनम के लिए ना तो शाहरुख उतने इम्पोर्टेंट है और ना ही सलमान खान। यकीन नहीं आता तो खुद पूनम से ही सुन लीजिए। कोई खान एक्टर जिसका नशा कभी पूनम पांडे को चढ़ा हो? तो आखिर अब बॉलीवुड में ऐसा कौन है जिसके ऊपर पूनम की निगाहें हैं? मुझे कोई इस तरीके का आंसर नहीं देना है कि I want to run behind the trees with Salman Khan or with Shahrukh Khan. Of course. कौन अच्छा लगता है ये बताएं, हम समझ जाएंगे। What do you think? I think Sandeep Kapoor नहीं? I agree. Well, पूनम ने शाहरुख और सलमान के नाम पर तो साफ मना कर दिया, लेकिन जब स्टेज पर मौजूद उनके फ्रेंड ने रणबीर कपूर का नाम लिया तो पूनम ने इस बात से इनकार नहीं किया। Well, लगता है पूनम को भी अच्छी तरह से पता है कि आज बॉलीवुड में कौन सा स्टार रूल कर रहा है और इसीलिए अब उनकी निगाहें रणबीर कपूर पर है। शाहरुख का नाम लेकर तो पूनम ने काफी सुर्खियां बटोरी। देखते हैं रणबीर के नाम से उन्हें क्या हासिल होता है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई।